कर रहे हैं आप? आपसे ही बात कर रही हूँ मैं। समर्थ मेरा भी बेटा था, उसकी मौत का दुख मुझे भी है। मैं भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। जब देखो उस लैब में बैठे रहते हैं, न जाने क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। I'm your wife, for God's sake. गुली प्रताप को मरना होगा। Every action has an equal and opposite reaction. So Guli Pratap must pay for his action. ये ऑक्सीलेटर, सल्फ्यूरिक आरडीएक्स, जैसे ही इसके ऊपर वजन पड़ेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैं सूटकेस के अंदर इसे रखकर इसके ऊपर रुपए रख दूंगा। रुपयों के भार से ये एक्टिवेट हो जाएगा। गुली प्रताप के पास मैं ये बोलकर जाऊंगा कि मैं उसके पास सुपारी देने आया हूं और उससे मिलने की कोशिश करूंगा। वो लोग मुझे चेक करेंगे। सूटकेस चूंकि टाइटेनियम का बना होगा तो कुछ भी ठीक नहीं। वो सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, रखो फोन। हाँ, क्या काम है तुम्हें? गुली प्रताप के सामने बैठकर सबसे पहले मैं उसे पैसे दूंगा। पैसों को सूटकेस से बाहर निकालते ही बॉम्ब के ऊपर वजन कम हो जाएगा और उसका टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। बॉम्ब का केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जिस बंदे को मारना है उसकी एक फोटो मुझे दो। अब तुम सारी दुनिया को जाकर ये बता दो कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा और उसके बाप ने कैसे उसकी मौत का बदला लिया। नो, नो, महादेव, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपने बेटे को खोया है, आप भी छोड़कर चले जाएंगे क्या? मत कीजिए महादेव, प्लीज प्लीज महादेव। मैं जानता हूँ तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। How dare you? हुआ क्या है आपको? Get out! Get out! महादेव! चल चल मेरी बैठ दे। अरे चुप कर, अभी बैटिंग खत्म नहीं हुई, तुम्हारी बारी बाकी है। ए, अभी मैं किसी गाड़ी वाले को नहीं मारने वाला। कल मैंने साइकिल को मारा था, भूल गया कल क्या? मैंने भी मारा था। झूठ मत बोल। देख सिद्धू, तू मुझसे पंगा ले रहा है। देख सिद्धू, वो कल की बात थी, रात गई बात गई। आज तुम किसी को मार के जीत के दिखाओ तो हम सबके बैर तुम्हारे, वरना बैटिंग कैंसिल। चल अच्छा, मारना ही है ना, मैं मार के दिखाता हूँ। चल हट, चल ले, देखता हूँ तू आज क्या करता है। ए लगा ना, देखा मैंने बोल। अरे ए, कहाँ भाग रहे हो? मेरी बैट तो देते जाओ। ए रुको, अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुक, कहाँ भाग रहा है तेरी तो? रुक। मौसी मौसी, वो पुलिस वाला सिद्धू को ले गया। अरे बेटी बेटी, रो मत, शांत हो जा। स्कूल में मेरा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन इस कालिया के साथ रहकर मेरा बेटा बिगड़ने लग गया है। सुभाष संभाल कर बात कर, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी मत कहना। तेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करता है तो फिर इसके साथ बैटिंग क्यों लगाता है? बताऊंगी तुझे, समझा? मेरी बात मानो बेटी, बच्चा पुलिस स्टेशन में रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। मेरी बात मान, गोली प्रताप जी की पुलिस वालों से बहुत अच्छी दोस्ती है। तू उसका पैर पकड़ ले और अपने बच्चे को छुड़वा कर ले आ।
ओहो, ये उसके पास मदद मांगने जाएगी और वो फ्री में करेगा ना, और कोई काम नहीं है उसे। वो पुलिस वाला इतना भी सीधा नहीं है कि इसके कहने पर इसके बच्चे को छोड़ देगा। पता नहीं इसके साथ क्या क्या करेगा वो। जा जा, अपने बच्चे को छुड़ा ले जा। क्या जानू, क्या खा रही हो बैठकर? ओहो, कुली साहब आए हैं। क्या बात है, आज आपको हमारी याद कैसे आई? आजकल तो आप इस तरफ आते ही नहीं हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार कॉर्पोरेशन इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। जानती हूँ जानती हूँ, सब तरफ आपके ही बैनर लगे हुए हैं। गरीबों का बंधु, औरतों की आशा की किरण। एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ती है ना, इसलिए फुल बिजी हूँ। आ रहा हूँ जानू, 10 मिनट में आ जाऊंगा। मेरी बीवी। पता चला पता चला, तुमने तो काफी मालदार खजाना पकड़ा है। बिजनेस है मैडम, बिजनेस है। संसार में और व्यापार में किसी तरह का अंतर नहीं होता है। नमस्ते भाई साहब। हाँ? बड़े साहब से मिलना है मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी। शांति देवी, नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आप लोग बैठिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी भाई। जी हाँ भाई, क्या है ये? गुली भाई। किसने लिखा है? मैंने लिखा है भाई। गुली भाई, मैं तुझे गुली दिखता हूँ। गुली दिखता हूँ मैं तुझे, दिखाता हूँ मैं गुली, मैं तुझे गुली दिखता हूँ। कमीना कहीं का सुअर को क्रॉस कर रहा हूँ मैं। तू गधा है और मुझे भी गधा बना रहा है तू? हैं, क्या समझता कुत्ता? भाई साहब, भाई साहब, कौन है कौन? हे हे, पकड़ो इसे, हे, अटैक कर रहा है मुझे, उठाओ इसे, अरे पकड़ो, हे, चलो तुझे बचाओ। कौन है? साहब साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। भाई, ये औरत कल शाम से अपने घर नहीं गई है। रात को हमने सबको भगा दिया था, लेकिन ये औरत रात को इसी गेट पे सोती रही, बोला बिना मिले नहीं जाएगी। अरे तो अपनी परेशानी बताओ ना। मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब। कहाँ है तुम्हारा बेटा? क्यों, तुम्हारे फैक्ट्री का लड़का है क्या? नहीं 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 नहीं, हमारे वार्ड का लड़का है। मैंने अब सारे पुराने काम छोड़ दिए हैं, अब मैं समाज सेवा करने की सोच रहा हूँ। सोच समझ के बोल। तुम्हारा किडनैपिंग और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा मैंने रोक दिया तो इलेक्शन के पैसे कहाँ से आएंगे? सर आप तो। अच्छा बस ये बता, तुझे लड़का किस लिए चाहिए? सर वो स्लम का लड़का है, वहाँ के लोग डर से हफ्ता देते हैं पर वोट नहीं। तो ऐसे सोशल वर्क जब मैं करूँगा तो तेरे लिए सिंपैथी बढ़ेगी। सर आप तो खुद समझदार हैं, जरा सोचिए मेरे बारे में। मैंने सुना है तूने अभी अभी नई गाड़ी खरीदी है। हाँ। और उसी गाड़ी से पार्टी के प्रचार के लिए घूमता है। कौन सी बड़ी बात है, आप कहेंगे तो पार्किंग करवा दूंगा यहाँ पर। ए, चल बाहर। इस लड़के को ठीक से समझा देना। देखो देखो कैसे फुग्गे की तरह मेरा मुंह फुला दिया इसने। इसकी तो सर 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 प्लीज सर, थोड़ी शांति रखिए। चल शांति, निकल यहाँ से। चल भाग यहाँ से। सर जल्दी गाड़ी भेजो, तू भी जाए। हाँ सर मैं भी जा रहा हूँ। जाने को बोला ना। सिद्धू, अरे कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। ये चेहरे पे क्या लगाया माँ? यहाँ कुछ भी बात मत करना, चल घर जाकर बात करते हैं। वो लड़का कितना मारा उन्होंने तुम्हें, क्यों मुझे इस तरह परेशान करता है? कितना मारा तुम्हें उन्होंने? ना ना कहीं का मेरे सामने तू पुलिस वाले को चेक करता है? पुलिस वाले को देखकर हंसता है? समझता क्या है आपको? तेरे जैसे कितने लोगों को देखा है मैंने, क्या समझता है? छोड़ दीजिए उसे, खड़ा होकर दस्ता है पागल की तरह। 4 पैसे कमाए नहीं अभी तक, इस कमीने के लिए उसको लड़की भेजनी पड़ रही है मुझे।
इधर आ। कल से अपने बेटे को मेरी फैक्ट्री में भेज दो। साहब, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है, क्लास में फर्स्ट आता है, ऐसा उसके टीचर बोलते हैं। यहाँ पर मैं कोई धर्म खाता चला रहा हूँ? तेरे बेटे को जेल से छुड़ाकर उसे ऑफिसर बनाने के लिए? तेरे बेटे की वजह से मुझे नुकसान हुआ है और उस नुकसान को उसे ही पूरा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। क्या रे, तेरी माँ तो मेकअप में मेरे सामने आई है। ठीक है, तू अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना, और मेरा नुकसान भरने के लिए तू मेरी फैक्ट्री में आ जा। रो मत माँ, माँ सॉरी, माँ माँ सॉरी, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूंगा, माँ माफ कर दो। माँ तुम रोगी तो मुझे भी रोना आएगा, माँ मत रो माँ। माँ ये पेपर मत लो, माँ ये वाला ले लो। क्या हुआ? बताता हूँ। कैसे नालायक बच्चे आ गए यहाँ पर, देखो इधर देखो ना इसे। ये सिद्धाराम अभी तुम्हारी तरह चौल में ही रहता है ना, इसे तो सब समझ में आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता समझ में? इसे देख कर लिखो। ए, चल जा, जा ना, उसकी कान पकड़ के खड़ा हो जा। नहीं सर। अरे तुझे क्या हो गया? अरे मास्टर मारेगा ना। अरे ठीक से पढ़ के बोर्ड पे लिखेगा नहीं तो लड़की के कान पकड़वाएगा। अब बोल तू क्या चाहता है। सिद्धू, कल हम सब लोग स्कूल से छुट्टी लेकर शूटिंग देखने जा रहे हैं, तू आएगा? नहीं बाबा, मेरी माँ को पता चलेगा तो मारेगी मुझे। ये है फेवरेट हीरो की शूटिंग। हाँ। ये कहाँ है? अभी आएगा, रुकना। नमस्कार भाई और बहनों, सबको नमस्कार। यहाँ खड़े हुए, बैठे हुए, बूढ़े बच्चे जवान सबको मेरा सादर चरण प्रणाम। अपने गांव के जमींदार साहब गौड़ा जी, जिन्हें कभी किसी ने देखा नहीं, कभी उनके बारे में सुना नहीं, उन्होंने एक ऐसा खेल बनाया जो अनोखा है, तो उसके लिए हम सभी लोग मिलकर गौड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। ए, चल हटा यहाँ से। इस खेल में गौड़ा जी ने राधिका के लिए एक स्वयंवर रचा है जो सबके सामने होगा। गौड़ा जी का बेटा आपके सामने यही खड़ा है और राधिका वहाँ से आ रही है, तो जोरदार तालियां बजाइए। स्वयंवर के रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, वरना वो स्वयंवर में फेल हो जाएंगे। ये जो अपना मुन्ना ट्रैक कीजा, इधर बेटा इधर इधर, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी, चल जा ऊपर चढ़ जा, शाबाश शाबाश, जल्दी चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, चढ़ ऊपर एकदम, खड़ा हो जा जल्दी। हाँ चढ़ गया, ये अपना मुन्ना ट्रैक, शाबाश शाबाश, चल बेटा अब उसे घुमा घुमा घुमा, उसे घुमा और तेज घुमा 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 घुमा। आप देख रहे हो
कि ये मुन्ना टैकीज कुछ घुमा रहा है और उसके अंदर एक गेंद है, और ये गेंद कोई साधारण गेंद नहीं है, ये एक स्पेशल गेंद है। उस गेंद में छोटी छोटी घंटियां बांधी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गेंद में ये छोटी छोटी घंटियां बांधने की क्या जरूरत है, वो भी बता दूंगा, पर इतनी जल्दी क्या है। ये अपना मुन्ना टाकीज इस रस्सी को घर करके घुमा करके आसमान में फेंक देगा, और यहाँ मौजूद खिलाड़ियों को उसे पकड़ना होगा, मगर उसमें एक कंडीशन है भाई, यहाँ मौजूद सभी खिलाड़ियों की आँख पर पट्टी बंधी होगी। तो करना ये है कि उस गेंद में बंधी छोटी छोटी घंटियों की आवाज को सुनकर उसके पीछे भागकर आपको उसे पकड़ना होगा और वापस अपनी जगह पर आना होगा। तो यह है इस खेल की मुख्य कंडीशन, और इस खेल का मुख्य आकर्षण है गौड़ा जी का बेटा शिवराम गौड़ा। हाथ ऊपर उठाओ बेटा, शाबाश शाबाश। यह है अपने गांव का शेर, गौड़ा जी का सपूत, गौड़ा जी की सारी संपत्ति का इकलौता वारिस, और उनके सामने है एक सिपाही राम। देखो बेटी, जो चीज खुली आंखों से दिखे उसके लिए आईने की जरूरत नहीं। इस खेल में मेरा बेटा जरूर जीतेगा। क्यों ऐसा खेल खिलवाकर उस सिपाही रामू की टांग तुड़वाना चाहती हो? उस बेचारे सिपाही को क्यों हरवाना चाहती हो? ससुर जी, सूर्य को आंखों से आंखें मिलाकर देखने की कोशिश करोगे तो अंधे हो जाओगे। अब किसी इंसान का नसीब ही खराब हो तो कोई बेचारा दूसरा क्या कर सकता है। रामू अब भी बुलाएगा तो मैं उसके साथ भागने को तैयार हूँ, मगर मेरा रामू सोल्जर है, सिपाही है, वो तो युद्ध करके ही जीतना जानता है, किसी को भगा ले जाना उसका स्टाइल नहीं है। अब गधे को क्या पता कस्तूरी की महक। क्या कहा तुम, मुझे गधा कह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस रामू को कस्तूरी कह रही थी। ए, सब लोग लाइन में खड़े रहो। ए, पीछे चल, मेरे रहते चीटिंग करने की मत सोचना। ए, ए, दिखा पट्टी ठीक से बांधी है ना? ओके 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 ओके। अरे मेरे सिपाही रेडी है ना? ए, सभी लोग लाइन में ठीक से खड़े रहेंगे। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। क्या है?
क्या कर दिया। ये। ये। ये सिपाही। ये। ये। ब्रावो। बच्चों को अंदर लो, अंदर सर। लो बच्चों को अंदर लो। ओके सर, ओके सर। अरे देखो सर, वो हमारी फिल्म के हीरो हैं। तुम लोग वहाँ पर जाना और जोर से चिल्लाना और जोर से नाचना, ठीक है? हाँ। जाओ। ये। 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 सर पुलिस सर, ऐसे एक बच्चे को ऊपर उठाइए। सॉरी सर, एक बच्चे को ऐसे ऊपर उठा लीजिए। Trust love, not war. तू मेरी मैं तेरा हूँ, टेडे डेडे डेडे डे, बिन तेरे ना जीना मुझको, टेडे डेडे डेडे, तारे तोड़ लाऊं, दिल में तुझको बिठाऊं, एक बार बस तू हाँ बोल दे, टेडे डेडे डेडे डेडे। कैसा लगा सर? सुपर डांस करते हो यार, सिर्फ डांस ही करते हो या फिर कुछ और भी? नहीं सर, अभी जो आपने किया मैं वो भी कर सकता हूँ सर। सर मैंने लाइट वाले को बोल दिया था कि सीन थोड़ा लंबा चलेगा तो लाइट हमको ज्यादा लगेगी। तेरी तो रुक। इट्स ओके रिलैक्स। दोबारा इसने किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं सर। बाद में मिलेगा तो भी आप कुछ नहीं करोगे, ओके ना? ओके सर। जाओ। तुम रोज ही ऐसा करते हो क्या? नहीं सर, माँ मारेगी। मारना ही नहीं, तुम्हें तो चेन से बांध कर रखना चाहिए। पहले तो ठीक से पढ़ाई कर लो। मैं पढ़ता हूँ सर, क्लास में फर्स्ट आता हूँ। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, पेपर में आई हुई आपकी फोटो कट करके इस बुक में लगाता हूँ सर। ये क्या है, मेरे फोटो के साथ साथ ये कोयमपुरू जी, बेंद्री जी। हाँ सर, ये लोग भी अच्छे हैं सर, इनके बारे में हमारे टीचर्स बताते हैं हमें। ज्ञानपीठ जिन्हें मिला है उन सबके बारे में जानते हो? हाँ सर, पहले श्री कोयम्पू जी को 1967 में श्री रामायण दर्शनम के लिए और घंटा बेंद्रे जी को 1973 में मिला नाकुदंती कविता संग्रह के लिए, और शिवराम काटंती जी को 1977 में बंजूबाम सपना के लिए, और मास्ती जी को 1983 में मिला चिकवीर राज के लिए। उसके बाद विगुर कोकर जी को भारत सिंधु रश्मि के लिए 1990 में, यू आर अनंत मूर्ति जी को 1994 में समग्र साहित्य के लिए, गिरीश कर्नाड जी को 1998 में मिला समग्र साहित्य के लिए, और चंद्रशेखर कंबरा जी को मिला 2012 में। अप्पू। हाँ। खाना खाया क्या? मैं बस आता हूँ। ठीक है बाबू भाई, उनको नेक्स्ट मंथ की डेट दे दो। तुम्हारा खाना हो गया? नहीं सर। ठीक है, तुम खा के आ जाओ। ठीक है सर। लगता है इस बार शॉट बहुत अच्छा होने वाला है। अरे और सर, पुनीत सर, वो जो आपने बच्चे को उठाया था ना, वो एक बार फिर शूट करना पड़ेगा, थोड़ी सी लाइट डल हो गई है। ए तू जल्दी यहां पर आ। सर ये वो लड़का, सुबह तो दूसरा लड़का था ना? सर वो लड़का कहीं चला गया सर, हमने बहुत ढूंढा मगर मिला नहीं। डिड यू ड्राइव हिम अवे? सर तुम्हें पत्थर मारा इसलिए तुमने कहीं भगा तो नहीं दिया उसे? कसम से बोल रहा हूँ नहीं सर। क्यों सर, क्या हुआ? नहीं, सुबह वहाँ पे दूसरा लड़का था। ऐसा है, इट्स ऑल राइट सर, वैसे भी हम फ्रेश शूट कर रहे हैं, वो बच्चा रजिस्टर भी नहीं हुआ है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, चलो बच्चे आओ। कैमरा एक्शन।
ए, सल्यूशन दिया इनको? हाँ भाई, तीन दिन से भूखा रख के सिर्फ सल्यूशन ही दिया है। ए, इधर आ। ए, भाई इसके हाथ पैर सब ठीक हैं? हा? इसे वो कॉकस्टोन जूती है ना, उसके पास भेज दो। ठीक है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। गंदे हाथ से पकड़ेगी, गंदे हाथ से पकड़ेगी। अरे यार, ये सब कहाँ से लग गया? भाई फोन किसका फोन है? भाभी का। ये भी नहीं समय। हाँ बोलो जानू। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं फैक्ट्री में हूँ अभी। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। इस हफ्ते में उस तालाब के पास ये तीसरी लाश मिली है ना? ये मामूली बात तो नहीं लग रही है। हाँ, ये तीसरी लाश मिली है। पहले भी पुलिस से कंप्लेंट की थी क्या? उन्होंने इस बारे में क्या कहा? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा है हमसे। पता नहीं और कितनी लाशें मिलेंगी यहाँ। हमें तो बहुत डर लग रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि छानबीन चल रही है। आइए। ही इज मिस्टर राघवेंद्र। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपकी मूवी बहुत अच्छी चल रही है। सब भगवान की दया है। क्या हुआ सर, बहुत सीरियस दिख रहे हैं? नहीं, न्यूज में एक लड़की के साथ असॉल्ट करके उसे मार दिया है, वही देख रहा था, बाकी कुछ नहीं। आप लोग बैठिए ना, प्लीज सिट डाउन। कुमार आओ। यू नो, दिल्ली के बाद बैंगलोर में ही हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन चल रहा है। बहुत डर लग रहा है। यस सर, इट्स रियली स्कैरी। ऑफिस की लेडीज लेट नाइट काम करना पड़ेगा ये सोचकर ये काम छोड़ रही है। सैड। एनीवे, करोड़पति से करोड़पति की टीआरपी बहुत सुपर है सर। हमारे इस रीजन में ये नंबर वन शो है। ग्रेट, बस इससे सबका भला हो जाए। सर, हम सोच रहे हैं कि इस बार का हमारा ये शो हम बच्चों को लेकर करें, और उसके लिए हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। हाँ, आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्यों ना हम एक स्टेप आगे जाकर गरीब बच्चों को और असहाय बच्चों को कुछ मदद करें तो उनका भला हो। देखिए, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अंडर प्रिविलेज बच्चे बहुत सारे हैं, उनकी जिंदगी में दूसरा कोई मौका नहीं है। आप ही कह रहे थे कि इस प्रोग्राम से डबल डबल प्रॉफिट हुआ है, सो वाई डोंट वी मेक आवर प्रोग्राम प्रॉफिटेबल फॉर देम। आई मीन, अब समझिए, एक बच्चा 1,00,000 रुपया जीतता है, हम उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट को या तो किसी एनजीओ को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते हैं। ये बस मेरा सजेशन है। वो तो ठीक है सर, लेकिन इन बच्चों को प्रॉपर प्रोसीजर से आना होगा। ऑफ कोर्स, क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरे पापा कहते थे कि भरपेट आदमी को खाना देने से कोई मतलब नहीं है, जो भूखा रहता है उसके साथ भूखा रहना तो खाना और भूख दोनों का मतलब होता है। फाइन सर। यस सर, प्लीज। या फाइन, विल मीट सून सर। हेलो, नमस्ते सर, कैसे सर? अरे, कैसे हो भाई? ठीक हो? सब ठीक है ना? हेलो, हाय सर, ये दोनों फ्रेंड्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं सर। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर। सर, इस बार आपका बर्थडे फंक्शन फुल ग्रैंड तरीके से करना है सर। कोई जरूरत नहीं, लास्ट टाइम जो खाना बनाया था सारा वेस्ट हो गया। वैसे बेकार में नाम के लिए पैसा बर्बाद मत करो, किसी भी अनाथ आश्रम में वो पैसे दे दो। सर, अगर ऐसा है तो रिमांड होम में अरेंजमेंट कर दूं। रिमांड होम? हाँ सर, बच्चों के लिए जो जेल होती है ना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, वही। रिमांड होम, इंटरेस्टिंग। ओके, अरेंज करो। ठीक है सर। कानून तुम पर दया करता होगा क्योंकि तुम लोग माइनर्स हो, वो तुमको क्रिमिनल्स नहीं मानते हैं, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर मेरा कानून चलता है। तुम लोग यहाँ आने से पहले क्या करते थे, यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे, मुझे ये सब नहीं जानना है। एक बात याद रखना, यहाँ पर तुम लोग गलत जगह पर सूसू भी नहीं कर सकते। सो सच सच बताओ, मेरे ऑफिस का वाइटनर नहीं दिख रहा है, बताओ किसने चुराया है? चलो। नहीं सर, मैंने नहीं, सिद्धू ने चुराया है। सर 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 दुख रहा है सर। क्यों बे, मेरा वाइटनर लेके सल्यूशन लेगा तू? तू क्या खुद को माइकल जैक्सन समझता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वो राजू असलम और श्रवण ने लाने के लिए कहा था सर। सर 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 सर
बाकी सब जाओ यहां से, और तुम तीनों यहीं पर कान पकड़ के मुर्गा बन जाओ। और तू, ऐसा करने से पहले मुझे बताना था। चल 50 राउंड भाग, चल चल। नमस्ते सर। नमस्ते। यही है ना सर वो जो आपके रिमांड होम से भागा था? ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है सर। चलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? इसी थोड़ा खराब हो गई है सर, बुरा मत मानिएगा। सर ये लीजिए हैंड ओवर पेपर्स। ठीक है, मैं चलता हूँ सर। कांस्टेबल। यस सर। तुम्हारे हाथ में घड़ी तो है ना? मेरी घड़ी? हाँ है ना सर। रिंग वगैरह? हाँ सर ये भी है। पर्स? सर मेरा पर्स नहीं है सर। पर्स निकाल। देता हूँ सर, देकर आता हूँ सर, देकर आता हूँ। ये लो। उमेश। यस सर। इसे हमेशा बेड़ियों से बांध कर रखो। ठीक है सर। इसे बाथरूम भी अकेले मत जाने देना। ओके सर। जा उस बच्चे को उठा कर ला। चल जा। फादर Forgive them. ये लोग क्या कर रहे हैं इनको पता भी नहीं। जिमी 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 ए, तू हाथ नहीं धोता क्या रे? पेशाब करने के बाद तेरे बाप ने तुझे हाथ धोना नहीं सिखाया? मेरा बाप खुद हाथ नहीं धोता था सर, तो वो मुझे कहां से सिखाता सर? तुम लोगों को समझाना अपनी ही गलती है। चल 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 जल्दी। उमेश। सर कहां ले गया था इसे? अरे सर, तो क्या है ना, इनको अकेले बीड़ी पीने में बोर होता है, इसलिए साथ में मुझे ले गए थे सर। अगर पकड़े जाते तो मुझे फंसा देते। क्या बोल रहे थे? देखो सर, हम जैसे लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है यहाँ पर। ए, That's why I told you. बांधो इसे। ठीक है सर। चलिए बैठ। यही मर अब। क्या देख रहा है? वो वार्डन और असिस्टेंट चला गया क्या? हाँ चले गए। क्या है रे? उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमें बर्बाद कर देगा यार। उड़ा दे यार, उड़ा दे, वो हम तीनों का नाम बता देगा। उड़ा दे उसे। तू जा साबुन लेकर आ। अरे पकड़। कौन है? अरे राजू मार मार उसे। नाम बताएगा तू? ए राजू तेरा मार की सजा तू जबान ना करू। छोटे बच्चे को मार तू। शर्म नहीं आती? राजू मैंने बोला मत मार उसे। नाम बताएगा तू? पागल हो गया तू? राजू का नाम बताएगा तू? राजू का नाम बताएगा? चुपचाप बैठा रहे तू। और सब लोग सुन ले, कोई भी अगर मेरे खिलाफ मुंह खोलेगा ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। एक एक को चुनकर मारूंगा अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो। ए राजू, ये तो बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा, कहीं मर तो नहीं गया?
ए, ए उठना, ए मजाक मत कर यार, सिद्धू, ए उठना यार, उठ जा, सिद्धू, ए सिद्धू, उठ यार, कार साले को, कार, कार इसको, राजू राजू क्या चल रहा है यहाँ? अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना तू? अब तीनों लेटे क्यों हो? उठो उठो, खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हो ना? हिम्मत है तो उठ, उठ अब, मार इसको, बच्चे को मारते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? उमेश सर, पहले इन सबको हॉस्पिटल लेके जाओ एंड थ्रो दिस फेलो इन द डार्क रूम। तुम लोग जिंदगी भर नहीं सुधरोगे। सर ये सब आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन सर चोर है बदमाश है सर, ये है ना सर, ये वाला ये चोर है सर, सर ये अपने टीचर को मार के यहाँ आया, पॉकेट मार है सर, ये इसके नाम पे 7 केस चल रहे हैं। नहीं सर नहीं, वो पुनीत राजकुमार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ आए हैं। हाँ सर, नहीं सर, भंडारी सर ने परमिशन दिया है। ओके सर, नो सर, इफ आई अरेंज अ मीटिंग आउटसाइड विद दीज रास्कल्स आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल देम सर, सर ये लोग भाग जाएंगे सर, सॉरी सर। ये सब के सब बहुत बदमाश हैं, संभालना बहुत मुश्किल है सर। अरे मुझे मुझे हट पीछे, मैं नहीं था सर, हट पीछे, चल सर, वन बाय वन, कम ऑन। एंड आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग। ये लगभग 75 साल पुरानी बिल्डिंग है, ये कब टूट जाएगी पता नहीं। मुझे इन कैदियों के ऊपर सिर्फ 50 रुपए खर्च करने की इजाजत है, सिर्फ 50 रुपए। Their argument is, गरीबी में रहने वाले ये बच्चे सिर्फ 30 रुपए में अपना जीवन चला रहे थे, फिर भी तुम्हें 50 रुपए कम पड़ते हैं। ऐसा क्या? सर आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। नो सर यू कांट, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता क्योंकि वो रिश्वत कहलाएगी, और अगर आप सरकार को पैसे देंगे तो भी वो इन तक पहुंचेगी ही नहीं। दीज पीपल कांट बी हेल्प्ड। एनीवे आइए। सर मैंने उसे ब्लेड नहीं दिया होता ना तो। उमेश यस सर, इसे बाहर ले जाकर बांध दो। ठीक है सर। हाय पुनीत राज। हेलो सर। चल चल चल। आई सर। उसे चेन से क्यों बांधा हुआ है? वो रिमाइंड होम से 3 बार भाग चुका है। मोर ओवर ही हैज अ वेरी वायलेंट स्ट्रीक। डेंजरस। डेंजरस। मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। हाँ कीज और वो फाइल अंदर रख देना। ठीक है सर। आपका शो मेरी वाइफ एक दिन भी मिस नहीं करती। यहां से काम खत्म करके पहुंचते पहुंचते आपका शो खत्म हो जाता है। थैंक यू, ये आपकी वाइफ के लिए। सर बच्चे यहां से बाहर जाने के बाद क्या बनना चाहते हैं? स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से ये लोग किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं. यू सी 9 out of 10 डाई बिफोर दे रीच 35. आर यू सीरियस? यस. देन व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट? लाइक व्हाट? ए, हाँ? ये ले, तू सीधा रहता तो आज पुनीत राजकुमार के हाथों लड्डू खा लेता. आपको पता नहीं सर, हर एक बच्चा इज अ ग्रेट क्रिमिनल. अगर इनके बारे में सुनेंगे तो ये इतना भी क्रूर हो सकते हैं विश्वास नहीं करेंगे. बट सर, उन लोगों को क्या समझ में आएगा? आई मीन, मैंने और आपने भी तो बचपन में गलतियां की हैं ना. गलती अलग है, क्राइम अलग है. दे आर जस्ट अंडर 18. अजमल कसब वाज आल्सो अंडर 18. हाउ कैन यू कंपेयर? क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? एक बार इनके हाथ में गन थमा कर देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड. बट सर, इन्हें गन किस लिए देना? पेन देकर देखिए ना, हो सकता है नया इतिहास बन जाए. पुनीत सर आए हैं क्या? हाँ, यहाँ आए हैं. सर सर सर, एक बार मिला दो ना सर. सर प्लीज सर. करवाता हूँ. बदमाश, यही मर तू. हाँ? See, that is a thing. क्या होता है ना, ये पैसे वालों को गरीबों को देख के थोड़ा गिल्ट फील होता है. हम उनसे कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यू नो ऑल दोज थिंग्स. और जब आप क्राइम न्यूज देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमने इसे मौका नहीं दिया. ओ, इन्होंने इनकी हेल्प नहीं की, इसीलिए ऐसा हुआ. तो सर, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है. सर, आई वॉज ऑल्सो बॉर्न इन द सेम गटर. मैं भी उतनी ही गरीबी में पैदा हुआ हूं. मैंने भी बचपन में बहुत मुश्किलें झेली. क्या मैं क्रिमिनल बना हूं? मैं क्यों पढ़कर पुलिस ऑफिसर बना? इट्स इन देयर नेचर सर, इट्स इन देयर ब्लड. सर, मुझे भी ऐसे ही बच्चे मार मार कर परेशान करते थे. तभी मुझ में शक्ति नहीं थी, तभी मैंने फैसला किया कि इन सबको मार मार कर सही करूंगा. उन लोगों को, उनकी सोच को, मैंने हर एक चीज को स्टडी किया है. टॉर्चर से ये लोग एक्टिव होते हैं. ये लोग समाज के वायरस हैं. अगर इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरा शहर गंदा कर देंगे. मैं जानता हूं आप इस समाज के एक अच्छे नागरिक की तरह यहां भलाई का काम करने आए हैं, लेकिन इन सब में अगर आप इन्वॉल्व ना हो तो ही ठीक रहेगा. आई एम सॉरी सर, लगता है मैंने आपको ठेस पहुंचाई. बट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलना ही चाहिए, इंक्लूडिंग आपके रिमांड होम में रहने वाले बच्चों को भी. सर, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, तो उन्हें मार कर सिखाना ये सही बात तो नहीं है. उन लोगों की वजह से प्यार करना, सब्र रखना, ये सारी बातें हम सीखते हैं. आप मेरी बात का बुरा मत मानिए. आप किसी बच्चे को जानवर की तरह वहां बांध देते हैं, इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप? ओह प्लीज. नहीं वार्डन, आप जो कर रहे हैं. सर, आपकी वॉच कहाँ है? सॉरी, वॉच कहाँ है? हाँ? सर 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 सर, एक बार मिला दो ना सर. सर प्लीज सर. अरे ए! क्या हुआ सर? आओ. सर की वॉच वापस करो. कौन सी वॉच सर? दो. आपने कितनी बार मारा है इसे? करीब 100 बार मारा होगा. तो भी अब तक चोरी करना तो नहीं छोड़ा. अगर आप जो कर रहे हैं वो सही होता तो अब तक तो इसे बदल जाना चाहिए था. एनीवे, मुझे जो लगा मैंने आपसे बोल दिया. बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी. हाँ, मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है. चल जा. मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया. यार थोड़ा मार कम खाना. दिमाग से इतने शार्प हो तो उसका इस्तेमाल किसी और जगह करना चाहिए. ये लो, तुम्हारे लिए. ए!
सिद्धू, सिद्धू क्या कर रहे हो? स्टॉप इट सिद्धू, क्या कर रहे हो तुम? ए सिद्धू, अरे मैं कह रहा हूँ रुक सर, रुक सिद्धू, पुलिस सर, पुलिस सर, रुकिए सर, रुक सिद्धू सर, गाड़ी रोकिए सर, सर सर गाड़ी रोकिए सर, पुलिस सर, पुलिस सर गाड़ी रोकिए सर, ए सिद्धू सर गाड़ी रोकिए सर, पुलिस सर, दरवाजा तोड़ेगा तू, पुलिस को मारेगा तू, ये सब क्या तेरा बाप बनेगा? चल यहाँ से, चल। साइन करके रूम में भेजो। ठीक है सर। अचल। भारत सरकार द्वारा जन कल्याण योजना के तहत आप सामान खरीदिए और आपको उस पे 25% सब्सिडी मिलेगी। भारत सरकार की ओर से जन जन के लिए जन कल्याण योजना, ये मौका किसी को नहीं गंवाना चाहिए। तू पुनीत को कैसे जानता है? कौन सा पुनीत? हैं? वही राशन मार्केट में जिसकी मटन की शॉप है। पुनीत राजकुमार यार, उन्होंने मुझे उठाया था। ओ, इसीलिए भक्त प्रहलाद फिल्म में नरसिम्हा खंबा तोड़कर बाहर निकलते हैं, तू भी दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। भाई वो मुझे पहचान गए तो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, नहीं तो वो राजू, असलम और श्रवण मुझे मार देंगे भाई। तू भी इसके कॉन्टेस्ट में एक बार सिलेक्ट हो जा, फिर तेरे साथ साथ मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। आपको मौका चाहिए ना, हम देंगे। पहली बार हम प्रेजेंट कर रहे हैं बनिए रोडपति से करोड़पति जूनियर। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बन सकते हैं राज्य के करोड़पति जूनियर। इसमें आपको करना क्या होता है? सिंपल, मेरे सवालों के सही जवाब दे दो और सही जवाब पर आप आएंगे पुनीत से मिलने के लिए। क्या का मौका और ये शो खेलने का मौका, कुछ भी कर सकता हूं। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा सवाल है, वंदे मातरम ये गान किसने लिखा है? कौन लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। जवाब दीजिए और मेरे साथ खेलिए। भाई ये जवाब तो हम मोबाइल से भेजना है, मोबाइल कहाँ है? सर 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 सर, मैंने इसको ब्लेड दिया था सर, उनको ये बात पता चल गई है, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो मुझे मार देंगे सर। कौन? आप चाहे तो मैं ऑफिस का काम करूंगा सर, यहीं पे रहूंगा सर, यहाँ की सारी साफ सफाई करूंगा सर, प्लीज सर, सच बोल रहा हूँ सर, सर ये भी यहीं पे रहेगा सर। ए सर के पैर पकड़, सर 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 प्लीज सर, हमारी हेल्प कीजिए सर, हम दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे सर, सच बोल रहे हैं सर, सर प्लीज सर। अब पता चला कि बुरा काम किया तो किस नर्क में सड़ना पड़ता है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके जाओ, मैं देख लेता हूँ। चलो आओ। दे, देखा? भाई सर को पता चलेगा तो हमारी खैर नहीं, मांगा होता हो तो वो दे देते ना। क्या? कौन वो? अबे परमिशन मांगने से सॉरी बोलना ज्यादा आसान है, परमिशन मांगेगा तो वो कभी नहीं देगा, बाद में उसे सॉरी बोल दूंगा तो क्या कर लेगा मेरा। चल तू नंबर दबा। सर आपको कॉस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, सब्जी लेना इतना महंगा है, पेट्रोल का खर्चा, इस अमाउंट में हम कैसे मेंटेन करें सर? मेरा फोन तुम्हारे पास है? नहीं सर। अरे भेजा ना बैंकी चंद्र। वो बैंकी चंद्र नहीं, बंकिम चंद्र है। हाँ जो भी है भेजा ना उसे। हाँ भेज दिया, भेज दिया। रास्कल्स। भाई उसी नंबर से मैसेज भी आया। सच में मैसेज आया? भाई नाम और उम्र पूछ रहे हैं। ए अरे बैंकी चंद्र की उम्र हमको कैसे पता होगी यार? भाई बंकिम चंद्र की नहीं, मेरा नाम और उम्र पूछ रहे हैं। ठीक है भेज भेज भेज। फिर से आया क्या? भाई जवाब बिल्कुल सही है, अगला राउंड 8 तारीख को होगा ऐसा बोल रहे हैं। ओ, मतलब 8 तारीख को हमें फिर से फोन चुराना पड़ेगा क्या? ठीक है, मैसेज डिलीट मार के फोन वहाँ पर रख दे।
इन बड़े लोगों के पास दिमाग कम होता है। इजी पूरा स्लम के अंदर एक भी पुलिस वाला मुझे पकड़ नहीं पाया था, बस एक पहचान के आदमी ने फंसा दिया मुझे। ये सब नाटक बंद कर। सर कुछ नहीं किया। सर तू नहीं चुराया है मेरा मोबाइल। सर सर माफ कर दो, सर कुछ नहीं किया। सर सच बोल रहा हूँ। सच सच बता कहाँ है। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर मत मारो। सर प्लीज सर बता, यकीन करो सर मैंने कुछ नहीं किया। सर यस सर आता हूँ सर, अभी आधे घंटे में पहुँचता हूँ। थैंक यू सर। सॉरी मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों जाओ यहाँ से, जब तक मैं नहीं लौटूँ बाहर मत आना, समझ गया? मैंने कहा था ना इन बड़े लोगों के पास दिमाग नहीं होता है। भाई इस पेपर में लिखा है कि वहाँ पांचवी छठी और सातवीं क्लास की टेक्स्ट बुक से सवाल रहेंगे, यहाँ कहाँ से टेक्स्ट बुक मिलेगी? इस जॉनसन का भाई लेकर आएगा, वो है जैक्सन, तू बस देखते जा। नमस्ते सर। सर आज मेरा बर्थडे है तो ये सब बच्चों में बांटने के लिए लाया हूँ सर। पहले तुम इसमें से टेस्ट करो। चलो आओ। सर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है सर, रात को पायल की आवाज आती है सर, टैप से भी रात को पानी चालू रहता है। शट अप उमेश, छुट्टी चाहिए तो सीधे सीधे बोलो, ऐसे बकवास मत करो। क्या हुआ? यू डोंट वरी। हाँ मैं तुमसे मिलूंगा। एक आइडिया आया है, ट्राई करते हैं। नहीं भाई। अबे अचानक से करोड़पति को फोन करेंगे तो वो हम दोनों का बूढ़ा बना देगा, चलेगा क्या? तो फिर जो बोला वो कर जा। हे तेरे को दिखता नहीं क्या तू मुझसे टकराएगा? मुझसे टकराएगा तू? हाँ तो जानबूझ के टकराएगा। जानता है मैं कौन? गलती से लगा है तू? मुझसे टकराएगा? ए जा तू बंकस नहीं करने का क्या? लिमिट में रह तू। हाँ तो तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू अपनी लिमिट पर क्रॉस कर, समझा ना? हिल जाएगा बिल्कुल। ए क्या कर लेगा तू मेरा? मेरे से पंगा ले। सर मैंने कुछ किया सर? कमिश्नर ऑफिस गया था मैं, मीटिंग के लिए बुलाएंगे बोले हैं।
मेरा मोबाइल दिख नहीं रहा। 3 दिन से कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है सर, मैंने आपसे कहा था। हे! ओके थैंक यू, जाओ। अरे क्या हुआ? सर वो सुबह मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज माफ कर दो, अपन दोबारा नहीं करेगा, प्लीज। चल जाए यहाँ से। ठीक है सर, चलता हूँ सर मैं। तेरी सॉरी सर। बाय सर। बाय सर। सर फोन की रिंग बज रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा, अगर चोरी गया होता तो अब तक सिम बदल गया होता। एक बार और ट्राई करिए सर। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था अपने रिमांड होम में जरूर भूत है सर। ए सिद्धू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, बहुत लोग इस शो के लिए ट्राई करते हैं, तो फिक्र मत कर, हम लोग कल सुबह फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? ये लो। हेलो। हेलो, ये कॉल बनिए रोडपति से करोड़पति से है, क्या मैं मास्टर सिद्धरामा से बात कर सकती हूँ? मास्टर सिद्धरामा से? हाँ सर, उन्होंने सही जवाब दिया था, कल हम कॉल नहीं कर पाए थे, क्या आज हम उनसे बात कर सकते हैं क्या सर? सर आधे घंटे बाद कॉल कीजिए। ओके सर। ओके उमेश चलो। सर ये लड़का मिलेगा इसमें डाउट है। एक बार और ट्राई करो ना, हमें 4 सवाल पूछने होंगे, उनमें से 3 सवालों का जवाब देगा तो भी चलेगा, हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही सही जवाब देने वाले हैं। वी नीड सम स्टैंडर्ड्स। पीपाई कौन से साल में शुरू हुआ था? पीपाई या सिपाही भाई? ओ सिपाही है क्या? अच्छा कौन से साल में शुरू हुआ था? 1857। 1857। दो दो मैं ही पढ़ लेता हूँ। तुम दोनों में से टीवी वाले को फोन किसने किया था? सर वो मैं बताओ सर, मैं सर सर प्लीज मत मारो सर इसे सर 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 प्लीज मत मारिए सर इसे सर 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 प्लीज सर सर माफ कर दो सर सर गलती हो गई सर 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 प्लीज प्लीज इसे मत मारिए सर गलती हो गई सर 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 वो छोटा बच्चा है सर प्लीज मत मारिए सर सर गलती मेरी थी सर सर छोड़ दो सर 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 प्लीज सर मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ सर सर गलती मेरी थी सर। हेलो हेलो सर मैं बनिए रोडपति से करोड़पति। एक मिनट ये ले बात कर। हेलो सिद्धराम बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, अभी मैं आपको 4 सवाल पूछूंगी और हर सवाल का आपको 10 सेकंड में जवाब देना होगा। रेडी सर? हाँ। गुड। पहला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए? नहीं नहीं। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। नो 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 12 कैमरास तो जरूर चाहिए। He is answering without options. अच्छा? Okay, तीसरा सवाल है, प्राणवायु का साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम क्या है? ऑक्सीजन। Okay, भारत के संविधान के शिल्पकार ये उपाधि किन्हें दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक मिनट, आपके जवाब को कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। सिद्धराम आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं रिमांड होम में हूँ, स्कूल में नहीं जाता। सुपर, ऐसे ही लोग चाहिए। बात करो बात करो बात करो इससे। रिमांड होम में फिर आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई भी नहीं है। दरअसल शो चेन्नई में होने वाला है, आपको बेंगलुरु से चेन्नई आना होगा, आपके माता पिता नहीं हैं तो मुझे आपके वार्डन या जेलर से बात करनी होगी। हेलो सर, मैं बनिए रोडपति से करोड़पति से बोल रही हूँ, आपके बच्चे ने राउंड क्लियर कर लिया है मगर आगे के लिए उन्हें चेन्नई आना होगा, वो छोटे हैं तो अकेले नहीं आ सकते, तो
विद गार्डियन वो चेन्नई आ सकते हैं। सर 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 प्लीज सर उसे जाने दीजिए सर, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा सर, मैं चोरी करना भी छोड़ दूंगा सर, सर जीसस प्रॉमिस सर, सर वो सारे सवालों के जवाब जानता है सर, सर प्लीज सर उसे जाने दीजिए सर, सर साल भर भी हम पढ़ाई करें तो उसके नॉलेज की बराबरी हम नहीं कर पाएंगे सर, सर प्लीज सर उसे जाने दीजिए सर, सर मैं आपके पांव पड़ रहा हूं सर, प्लीज सर जाने दीजिए सर, सर एक बात मान जाइए सर, प्लीज जाने दीजिए ना सर, सर एक बात सर प्लीज मान जाइए। हेलो हेलो बताइए सर, क्या सिद्धाराम बनिए रोडपति से करोड़पति में आएंगे? सर हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको मेल कर रहे हैं, आप उसे फिलअप करके भेज दीजिए और साथ ही में आपका आईडी कार्ड भी स्कैन करके भेज दीजिए। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो क्या है सर, आपको मारते वक्त मैंने उड़ा लिया था। क्या? आपकी अंगूठी सर। ये लास्ट टाइम है सर, जीसस प्रॉमिस सर, दोबारा नहीं करूंगा। बाय सर। चल रहे लेकिन वो जवाब बिल्कुल सही देता है। ओके दिस टाइम दिस इज बिग सर, इस वक्त हम लोग इसका लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, डू वेल, डू वेल। नमस्ते, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका प्यारा अप्पू, पुनीत राजकुमार। आप इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बनिए रोडपति से करोड़पति जूनियर। अब मैं 10 जूनियर कंटेस्टेंट्स का यहां स्वागत करना चाहूंगा, वो भी तालियों के साथ। तो हमारा पहला कंटेस्टेंट है मिस्टर संदेश, जो कांस्टेबल रागी जी के बेटे हैं। दरअसल वो कमिश्नर बनना चाहते थे लेकिन बीच में ही उनका देहांत हो गया। संदेश,
सिद्धू, एक लड़का भाग रहा है। कौन सा लड़का? सिद्धारमन, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। सिद्धू रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? सर मुझसे नहीं होगा सर, बैंगलोर वापस चलते हैं सर, चलिए ना सर। क्या? सर मुझसे नहीं होगा सर, उनको देखते ही मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी सर। देखो जितना मैंने तुम्हें डराया उतना सिखा नहीं पाऊंगा। तेरे यहां तक पहुंचने के लिए बहुत लोगों ने मेहनत की है, उनकी आशाओं पर पानी मत फेरना। तू वापस रिमांड रूम में जाएगा तो नर्क के अलावा तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तूने जिस जिस को चोट पहुंचाई है वो लोग तुझ पर अटैक करेंगे, बेवकूफ कहीं का। तू जाकर क्या क्रिमिनल बनेगा, जाकर ड्रग्स लेगा? दिस इज योर ओनली चांस। तेरी उम्र में जितना मुझे पता था तुझे उससे कहीं ज्यादा पता है। हे, ये सब क्या है? यू आर बेटर देन द रेस्ट, यू आर द बेस्ट। You are the best. Go. जाओ। इस तरह सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आराध्या फ्रॉम जयपुर। आराध्या सब अच्छा होगा, हॉट सीट पर बैठने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, टेक योर सीट, जाओ। और अब हमारे फाइनल कंटेस्टेंट रिमांड होम में रहकर भी भविष्य में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, ये उनका सपना है, जो है सिद्धराम बैंगलोर से। ये! ये! सिद्धराम वेलकम टू द शो। तुम रिमांड होम से आए हो, कौन सी क्लास तक पढ़े हो? सिक्स। ओके, अभी तुम रिमांड होम में ही हो ना, आगे तुम बहुत बड़े होम में जाओगे। ओके, यहाँ से करोड़ जीत कर जाना। ऑल द बेस्ट टू यू, संभल कर खेलना। ओके, जाओ अपनी सीट ले लो। अरे ये कैसा लड़का है, बात ही नहीं कर रहा है। तो सबने अपने अपने आसन ले लिए हैं, अब खेल शुरू करते हैं। और खेल का रूल तो आप सब जानते हैं, फर्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। यहाँ है आपके फास्टेस्ट फिंगर का सवाल। आपके स्क्रीन पर जो जानवर आएंगे उन सबको छोटे से बड़े साइज में सीरियल वाइज सही क्रम में लगाना है और जवाब देना है। और आपके ऑप्शंस ए हाथी, बी कुत्ता, सी शेर और डी चींटी। हे, इसका आंसर तो सिद्धू को पता है, अभी देखना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका सही जवाब क्या है हम देखते हैं, और वो है डी चींटी, और फिर बी कुत्ता, उसके बाद सी शेर, और आखिर में हाथी। 10 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने सही जवाब दिया है, और उन 5 लोगों में से पहला जवाब जिसने दिया है उनका नाम है सिद्धू आराध्या। कांग्रेचुलेशन आराध्या। अरे बस करो यार, खेल शुरू करते हैं। It's a right answer. Yeah! क्यों किया? खेलना चाहिए था ना? मुझे नहीं पता था सर। All right, come on. Anyway, यहाँ पर इनके बाद हॉट सीट पर कौन आएगा ये देखते हैं। उससे पहले हमें खेलना होगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आप सब लोग तैयार हैं? और ये है हमारा फास्टेस्ट फिंगर सवाल। यहाँ नीचे दिए हुए नाम उनके क्रिकेट में डेब्यू के हिसाब से लगाइए जो उनका क्रम है। और ये है आपके ऑप्शंस ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी राहुल द्रविड़, डी एमएस धोनी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम इज अप। अब देखते हैं कि सही जवाब क्या है। पहला है बी सुनील गावस्कर, नेक्स्ट ए सचिन तेंदुलकर, नेक्स्ट सी राहुल द्रविड़, और लास्ट है डी एमएस धोनी। हमारे कंटेस्टेंट्स में से सही जवाब किसने दिया है ये देखते हैं। ओके, 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, उसमें सबसे तेज जवाब देने वाले हैं रोहित तिमैया। यस यस। अरे यार रोहित, क्या तुम क्रिकेट प्लेयर हो? यस सर। वेरी नाइस।
इज द रॉन्ग आंसर। ये ओके, तो हमारा अगला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल खेलने का टाइम हो गया, अलविदा कहने का समय हो गया है। लेकिन आपको डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं, कल भी खेलेंगे, आप सबको खेलने का चांस मिलेगा। एज यूजुअल थकान होने पर उदासी होती है और उदासी में हम सुस्त होते हैं, और जब दुख होता है तो हम रोते हैं, और खुशी होने पर हम हंसते हैं, रात होने पर हम सब सो जाते हैं। सो अब रात हुई है इसलिए सो जाइए, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, बाय। हो गया चलो 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 सर, शो बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स। ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे पुनीत सर से मिलना। वो शो खत्म होने के बाद किसी से भी नहीं मिलते, चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हेलो हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ सर, जॉनसन। उमेश नहीं है क्या? वो कहीं काम में बिजी होंगे सर। सर सिद्धू सारे सवालों का जवाब जानता है, लगता है वो थोड़ा डर गया है, एक बार मुझे सिद्धू से बात करनी थी सर। बेवकूफ, फोन रख और जा अपने रूम में। वो एक बार सर, फोन रखता है कि नहीं? सो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों पे जो इश्क था। साहिरा तुम्हारे पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, सही जवाब दोगी तो 320,000 रुपए, गलत हुआ तो 10,000 रुपए, और क्विट करोगी तो 160,000 रुपए। टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। आई विल क्विट सर। श्योर? या अनाउंस कर सकता हूँ ना? या ओके, ज़ाहिरा इज क्विटिंग द गेम एंड क्लैप्स प्लीज। ओके कम, नाइस, सही टाइम पर क्विट करके 160,000 रुपए तुम जीती हो, गुड। ओके, जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपने सपनों को सिक्योरिटी के लिए बलि चढ़ा देते हैं, उनका देखा हुआ सपना पूरा होगा या नहीं इसी डर में हमेशा जीते रहते हैं, बट आई बिलीव कि जो सिक्योरिटी के लिए अपनी स्वतंत्रता को खो देता है वो लोग सिक्योर्ड बनकर भी नहीं रहेंगे और स्वतंत्र बनकर भी नहीं रहेंगे। अब शांति से सो जाइए और अपने सपनों को बचाइए, गुड नाइट। चलो हो गया, चलो चलो। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ठीक हो ना? अच्छा, आपका कोई आया हुआ है? हाँ आया है। अच्छा ओके, ऑल द बेस्ट, प्लीज एक्सक्यूज मी। नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चालू हो गया? तो देखिए, यहाँ है आपका फास्टेस्ट फिंगर सवाल। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने जीता है उन सभी को उनके वर्ष के हिसाब से सीरियल में लगाना है, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले किसे मिला है उसके अनुसार नीचे आना है। ओके, ये है आपका प्रश्न और ये रहे आपके ऑप्शन। ए यू आर अनंत मूर्ति, बी डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा, सी डॉक्टर शिवराम अकारंत, डी कुएंपू। देखना सिद्धू को इसका जवाब जरा भी पता नहीं होगा। चुपचाप देखना, टाइम आप, अब देखते हैं सही जवाब क्या है। चलिए, तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वालों में से सबसे पहले है कुएंपू, उसके बाद डॉक्टर शिवराम कारंत जी, उसके बाद ए यू आर अनंत मूर्ति जी, और अंत में डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा। ओके, अपने 5 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 2 लोगों ने ही सही जवाब दिया है, उसमें से पहला जवाब देने वाले हैं संदेश। यस यस, कम ऑन संदेश, कांग्रेचुलेशंस मैन, बहुत खुश हो? यस सर। हाँ यस सर। रेडी नाउ? यस सर। एक्साइटमेंट कम है, बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। okay, तो खेलने के लिए तैयार हो? लेट्स प्ले, कम ऑन। तो आप अपने पिताजी की आशा पूरी करने के लिए यहाँ आए हो? यस सर। ओके, तो संदेश के साथ हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सीधा कहाँ जा रहा है तू? ओ सर, लेकिन इसको जल्दी लेके आइए, टाइम कम है।
तो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तुझे पता नहीं है क्या? हाँ? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? संदेश, इट्स अ रॉन्ग आंसर। लाइफलाइन यूज करना चाहिए था, बट एनीवे, नॉट अ प्रॉब्लम। 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, कम ऑन। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। 10,000 रुपए किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना, ओके? टेक केयर। बैड लक। एनीवे, लेकिन अब हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, तो हम चलते हैं हमारे फास्टेस्ट फिंगर सवाल पर। कंप्यूटर जी, प्रश्न प्लीज। यहां है आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न। नीचे लिखे हुए एक्टर्स को जिन्होंने मुख्य कलाकार के रूप में काम किया है, आई मीन लीड एक्टर्स, उनको उनके पदार्पण के हिसाब से क्रम में लगाइए और पूरा कीजिए। आपके ऑप्शंस: ए शिवराज कुमार, बी पुनीत राजकुमार, सी राघवेंद्र राजकुमार, डी डॉक्टर राजकुमार। ओके, टाइम इज अप। अब सही जवाब देखेंगे। कंप्यूटर महाशय, आंसर्स प्लीज। पहला नाम है डी डॉक्टर राजकुमार, बाद में बी पुनीत राजकुमार, उसके बाद ए शिवराज कुमार, और आखिर में सी राघवेंद्र राजकुमार। अब देखते हैं किस किस ने सही जवाब दिया है। ओ, सिर्फ एक ही नाम है, दैट इज सिद्धरामा। ओ, इतना जोश, खुश हो? यस सर। यही जोश उस हॉट सीट पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। करोड़ रुपया जीतोगे? यस सर। कम ऑन, लेट्स गो। ये लड़का तो साइलेंट रहता था ना, नाउ लुक एट हिज एनर्जी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ना। लीड एक्टर का नाम आते ही सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली सुंदर फूल मूवी में मैं चाइल्ड आर्टिस्ट बना था और लीड रोल निभाया था। ये अभी हमारी इस हॉट सीट पर सच में एक सुंदर फूल बैठा है। एक होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो। समाज में इन्हें बाल अपराधी के नाम से संबोधा जाता है, लेकिन क्लास में यही फर्स्ट आते हैं। मैंने सही कहा ना? ओके सिद्धराम, आपके साथ यहां और कौन कौन आया है? हमारे वार्डन सर। वार्डन सर, वार्डन सर, नमस्कार, थैंक्स यहां तक आने के लिए। सिद्धराम के बारे में कहने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में किस किसने सही जवाब दिया है और किसने गलत जवाब, इसका सारा रिकॉर्ड रहता है। लेकिन सिद्धरामा ने यहां पहली बार जवाब दिया है। पिछले फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सिद्धरामा ने कोई गलत जवाब भी नहीं दिया था। इनफैक्ट पिछले दो दिनों से चले हुए फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सिद्धरामा कोई भी खेल नहीं खेला। हिज आंसर्स आर ब्लैंक। नहीं, गलत या सही नो मैटर, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था ना सर। मुझे उन सभी सवालों का जवाब पता था सर। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया तुमने सर? अगर पहले ही दिन सभी सवालों का जवाब दे देता था तो आप लोग मुझे पहले ही दिन वापस भेज देते थे इसीलिए सर। मगर आज तीसरा दिन है, अगर आज सही जवाब नहीं देता तो आपको देखने का चांस नहीं मिलता सर। अरे यार, ये क्या बोल रहा है? बहुत बड़ा पागल है तू। हाँ सर, उसके बाद वार्डन सर ने मुझे डांट कर समझाया। गधा कंका, आई न्यू यू वर अप टू समथिंग, नाउ गो एंड गिव योर आंसर, गो, कम ऑन। डांट कर समझाया वार्डन सर। ओके, ऑडियंस के लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है सिद्धरामा के बारे में। एक्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग हिम। तकरीबन कुछ दिन पहले सिपाही रामा फिल्म की शूटिंग के वक्त इसने मेरे साथ काम किया था। आप सबको याद होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने एक बच्चे को गोद में उठाया था। वो कैरेक्टर ओरिजिनली सिद्धरामा ने किया था, लेकिन दोपहर के बाद ये कहीं भाग गया था। बाद में हमें किसी दूसरे लड़के के साथ ये शॉट करना पड़ा। मैंने करेक्ट बोला ना सर? मुझे लगा आप मुझे भूल गए सर। तुम कोई भूलने जैसे प्रोडक्ट नहीं हो। ये बताओ, दोपहर के बाद तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? फैक्ट्री में आग लग गई थी ना सर।
कौन सी फैक्ट्री? मेरी माँ जहाँ काम करती है वहाँ की फैक्ट्री में 4 लोग जलकर मर गए थे, उसमें मेरी माँ भी मर गई। ए सिद्धू सिद्धू, तुम्हारी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी ना, वहाँ आग लग गई यार। सॉरी बट मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये तुम्हारा ही है ना? इसके बारे में मुझे ऑडियंस को बताना ही होगा। सिद्धरामा जब मुझे पहली बार मिला था तो इसने मुझे ये स्क्रैप बुक दिखाई। इसमें मेरे पेपर्स में आए हुए फोटोग्राफ्स को कट करके इसने एक एल्बम बनाया था, और साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों के भी फोटोज थे, जैसे कोयम्पू जी, बेंद्रे जी, कारंत जी, गांधी जी, इन सब के फोटोज इसमें लगे हैं। उस दिन इस बुक को मेरे पास छोड़कर ही ये चला गया था, सही है ना? टेक इट, तुम्हारी अमानत। सिद्धरामा, खेल शुरू करते हैं? हाँ सर, शुरू करते हैं। गुड, ऑल द बेस्ट, संभल कर खेलना, ओके? तो चलो, तुम्हारा पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए ये रहा। राम के बेटों का नाम क्या है? लव कुश। पहले ऑप्शंस आएंगे, ओके, होल्ड ऑन। एंड ऑप्शंस ए लव कुश, बी पक्का चुक्का, सी रामा श्यामा, डी शंकर गुरु। ए लव कुश। श्योर? यस सर। लॉक करूं? यस सर। ओके, लॉक, ए लव कुश। सही जवाब। यस। 1,000 रुपया जीत लिया है तुमने। तुम रामायण पढ़ते हो क्या? गुड, आगे के सवाल पर चलते हैं। दुनिया में सबसे बड़े जलधारी प्राणी, जलधारी मतलब मैमिन प्राणी, कौन से हैं? नीलावेल। पहले मैं ऑप्शंस बोल दूं। तुम्हारे ऑप्शंस ए हाथी, बी जिराफ, सी चिंपांजी, डी ब्लू वेल। टाइम जा रहा है। एक्चुअली ब्लू वेल को हिंदी में नीला वेल बुलाते हैं। ब्लू वेल। श्योर? यस सर। मैं लॉक कर दूं? यस सर। ओके, लॉक, ब्लू वेल। 2,000 रुपए जीत गए हो। ओके, बहुत सही खेल रहे हो। अभी तीसरा सवाल है 3,000 रुपयों के लिए। अमेरिका महाद्वीप किसने बनाया? कोलंबस। पहले ऑप्शंस। क्या फाड़ू जवाब दिया है ना, फाड़ू जवाब। ओ, देख रहे हो तुम इसे, बिना ऑप्शन के सही जवाब दे रहा है। यस सर। महादेव। यस महादेव। हाँ। ओके, 10,000 रुपए के लिए तुम्हारा पांचवा सवाल ये रहा। 75 साल में एक बार आसमान में दिखने वाले धूमकेतु को किस नाम से बुलाया जाता है? हेली धूमकेतु। तुम्हारे ऑप्शंस ए हॉकिन धूमकेतु, बी एड्रिन धूमकेतु, सी 11 धूमकेतु, डी हेली धूमकेतु। डी हेली धूमकेतु। श्योर? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। तो हेली धूमकेतु को लॉक किया जाए। इसके बारे में कोई लेसन था स्कूल में? नहीं सर, स्कूल में हमें प्लैनेटोरियम लेकर गए थे ना, वहीं बताया था। ओहो, प्लैनेटोरियम। ओके, मैं भी प्लैनेटोरियम गया था। वहां पर वो आसमान, तारे सब देखकर मैं सो गया था। इट्स द राइट आंसर। 10,000 रुपए तुमने जीत लिए। वार्डन सर, लगता है बच्चे को सही ट्रेनिंग दी है आपने। सवाल पूछते ही, ऑप्शंस आने से पहले ही बच्चा जवाब दे देता है। मैंने कुछ नहीं किया सर। एक महान इंसान ने कुछ दिन पहले मुझसे एक बात कही थी, अगर इन बच्चों के हाथ में गन थमा दिया तो ये टेररिस्ट बन सकते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ में कलम थमा दिया जाए तो ये इतिहास लिख सकते हैं। आई जस्ट थॉट दैट आई शुड ट्राई दिस थियोरी वंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो महान इंसान यहाँ मौजूद है, मिस्टर पुनीत राजकुमार। सर, मैंने इसकी मदद नहीं की, इसके दोस्त ने इसकी मदद की है। उसे पढ़ने के लिए उसके दोस्त ने कुरमुरे को टेक्स्ट बुक में पैक करके उसे घर के बाहर ला के दिया है।
इतनी प्लानिंग की कि क्या बताऊं, टेक्स्ट बुक के अंदर कुरमुरे का पैकेट बनाकर उसे दे दिया गया ताकि ये पढ़ सके। ग्रेट, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है, तुम्हारे फ्रेंड के लिए तालियां। ओके, करोड़ रुपया जीतने के बाद तुम क्या करोगे? मैं वार्डन सर को दे दूंगा। क्यों, नहीं दिया तो मारेंगे क्या? नहीं सर, वो मारेंगे भी तो भले के लिए ही मारेंगे सर। रिमांड रूम से निकलने वाले बच्चे बेरोजगार घूमते हैं सर, अगर वार्डन सर को दे दिया तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे सर, और आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर बैठा हूँ सर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल पूरे हो गए हैं, अभी 12वां साल चल रहा है सर। तुम तो बड़े आदमी की तरह बात करते हो यार। ओके, एनीवे 10,000 तुम जीत गए हो, पहला पड़ाव पार हो चुका है। लेट्स सी हाउ यू गो अहेड विद द गेम। तुम्हारा आगे का सवाल, अरे यार टाइम अप। तुम्हारे साथ मैं खेल को कल कंटिन्यू करूंगा। ओके, अपने एपिसोड का टाइम खत्म होने को आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस खेल का अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, तो कल इसी टाइम पर मैं और सिद्धरामा आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लड़का सच में बहुत अच्छा खेल रहा है। लेट्स होप ही मेक्स इट बिग। यस। ओके, बाय। थैंक यू। अरे यार, खत्म हो गया। नमस्ते, वो मेडिकल बिल की फाइल कहाँ है? नीचे सर। ओके, चलता सर। चलो बाहर चलो। अरे ये लोग तो वही है ना जो सिद्धू के केस में अंदर आए हैं। हे, जो भी केस होना है होने दे, अपना सिद्धू ही गेम जीतेगा, देखना। जीत सबका मुंह बंद कर देती है। इस लड़के को चैलेंज करने के लिए 3,20,000 रुपए चाहिए। हाँ, ओलंपिक गेम में भारत के लिए पहला मेडल लाने वाली महिला क्रीड़ा पटु कौन है? सर, करुणा मलेश्वरी। करुणा मलेश्वरी, इट्स द राइट आंसर। 25,00,000 रुपए। सुपर, फैंटास्टिक मैन, रियली गुड। रुको, आइए, ये आपका ही जेल है, हम सब यहाँ पर चोर हैं। शर्मा मत, जल्दी से आ जाओ। जॉनसन, चुपचाप बैठ। तुम लोग पीछे जाके बैठ जाओ। माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल। इस बच्चे को समाज ने दुश्मन समझकर रिमांड होम में डाल दिया। इस लड़के का कोई उपयोग नहीं ऐसा सोचा था, और आज ये यहां पर कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल किए बिना 25,00,000 रुपए जीत चुका है। उफ, ये अपने शो में करोड़पति बन सकता है। वार्डन सर, आपको क्या लगता है, ये यहां जीतेगा? वो तो कब का जीत चुका है सर, अब तो सिर्फ सेरेमनी होगी। सेरेमनी तो होगी ही। वाओ, ओह माय गॉड, वैसे इस खेल का अंत कैसे होगा इसका मैं भी इंतजार कर रहा हूं। ओके सिद्धू, 50,00,000 का सवाल है, संभल के खेलना। ओके, 50,00,000 का ये सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। सन 1757 में जो युद्ध हुआ था उसमें रॉबर्ट लाइव के साथ युद्ध करने वाला नवाब कौन था? तुम्हारे ऑप्शंस, ए हैदर अली, बी टिपू सुल्तान, सी सिराजुद्दौला, डी मीर कासिम। तुम्हें जवाब पता है? नहीं सर। लाइफलाइन है? हाँ सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करोगे? ओके ऑडियंस, आप अपना वोट पैड अपने हाथ में ले लीजिए। ओके, टाइम अप। सिद्धरामा, तुम्हारा रिजल्ट ऐसा है, हैदर अली एंड मीर कासिम को 0%, सिराज उद्दौला 28%, टिपू सुल्तान 72%। बोलो क्या करोगे? 50-50 लाइफलाइन सर। क्यों, ऑडियंस पर कॉन्फिडेंस नहीं है? सो 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहोगे? ओके, इस्तेमाल कर रहे हो ना? हाँ। ओके कंप्यूटर जी, दो गलत जवाबों को
हटा दीजिए। हमने ये जो सवाल है ये सिक्स्थ क्लास से ही उठाया है, तो तुम बता सकते हो? यस सर, मैं सिक्स्थ क्लास में था तभी रिमांड होम में चला गया था, मुझे क्या पता सर। टीपू सुल्तान ने मैसूर का युद्ध किया ये पता है, पर पलासी का युद्ध मुझे नहीं पता सर। क्या करें? सी सिराजुद्दौला। इतने लोग भला गलत कैसे हो सकते हैं सिद्धू? एनीवे ऑन द कॉन्ट्ररी, कितने लोग तुम्हें भी गलत समझ रहे होंगे, तुम्हारा फैसला है। चाहे जो कुछ भी हो लेकिन जवाब तुम्हें ही देना है। तुम्हारे पास एक और लाइफलाइन है, बताओ क्या करना है। सिराजुद्दौला सर। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट हो ना? लॉक कर सकता हूं? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, लॉक सिराजुद्दौला। आई एम सॉरी सिद्धू। तप यहां ऑडियंस ने हिंट दी थी, फिर भी तुमने अपने दिल की सुनी। क्या बोलू मैं? कोई बात नहीं सर, मेरे जैसे लोगों का यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। अगर मैं आगे जाता तो लोगों के भरोसे पर खरा उतर पाता सर, पर मेरे नसीब में इतना ही है। I am sorry, Siddhu. Very, very sorry. आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं सर? क्योंकि मैं जब से तुम्हें बता रहा हूँ सिराजुद्दौला इज द राइट आंसर एंड यू विन 50 लाख। सुपर सिद्धू, 100 लोगों ने दूसरी तरफ रास्ता दिखाया तो भी तुमने अपने दिल की बात ही सुनी, इसलिए तुम जीते हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहना। आपने तो मुझे शॉक दे दिया सर। अरे भाई, जब से तुम इस सीट पर बैठे हो पूरा स्टेट शॉक हो गया है कि बच्चा 50 लाख जीत गया। 50 लाख रुपए, ग्रेट सिद्धू। सबको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अरे क्या हुआ? ओ गॉड, टाइम अप। अरे क्या, मैं सच कहता हूं इतना एक्साइटमेंट वाला खेल मैंने इससे पहले कभी नहीं खेला। थैंक यू सिद्धू, हम सबको इतना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देने के लिए, तुम ग्रेट हो। तो आज गुरुवार है, सिद्धरामा हमारे इस खेल में करोड़पति बनेगा या नहीं इसके लिए हमें अगले सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। तो सोमवार तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय। सर आज के इस शो को हम 3 बार रिपीट करेंगे तो मंडे तक तो इसको अच्छा ग्रिप मिल जाएगा। सर, मैंने कहा था ना कोई आपसे मिलने की जिद कर रहा है। सॉरी मुझे लेट हो रहा है, मंडे को आने के लिए बोल देना प्लीज। मगर he is insisting lot sir. It's okay, please tell him on Monday. I'm getting late. Okay sir. Good night. Good night. कौन है? क्या चाहता है? सर सर सर, लिसन टू मी सर, आप इस तरह मिल नहीं सकते सर। सर प्लीज सर। स्टार पुनीत राजकुमार। सर प्लीज। मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, प्लीज। सर वो यही है जो आपसे मिलना चाहते थे। प्लीज सर, होटल में भेज दो। मिस्टर महादेव गुर्के, बोलिए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? थैंक यू फॉर दिस मीटिंग सर। मैं DRDO से आया हूँ, मैं वहाँ एक केमिकल इंजीनियर हूँ। अपने देश के लिए बॉम्ब्स और मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करती है सर। ओह, तो आप एक साइंटिस्ट हैं? आप ऐसा कह सकते हैं सर। पिछले 15 सालों से मैं यहाँ इसी शहर में रहता हूँ। बोलिए सर, एक बॉम्ब डिज़ाइन करने वाले साइंटिस्ट का मुझसे क्या काम है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है सर।
ये मेरा बेटा है। ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स सर। आज तक आपने जितनी भी फिल्मों में काम किया होगा उसने ये सभी देखी है सर। आपने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जिनमें काम किया वो भी देखी है सर। थैंक यू। आपका बेटा आया है आपके साथ? नहीं सर, वो यहाँ नहीं आया सर, वो नहीं आ पाएगा, वो मर चुका है। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये कैसे हुआ? उसने किया है सर। आप जिस लड़के को जीनियस कह रहे थे ना, समाज को जिस लड़के का दुश्मन बता रहे थे, जिसे आपने करोड़पति बनने का मौका दिया है ना, उसी सिद्धारमन ने मेरे बेटे को मारा है सर। हाउ कैन यू डू दिस? आप जैसे बड़े लोगों को समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ऐसे ही पापी लोग दिखते हैं क्या? बट सर मैं तो क्यों, क्या हो गया सर? आज गन पेन का डायलॉग याद नहीं आ रहा है आपको? सर इट्स अ बिग रैकेट, बच्चों को उठाना, उनका किडनैप करना और फिर पैसे मांगना। अगर पैसे नहीं दिए तो वो लोग उस बच्चे को दूसरे काम में यूज करते हैं। ये बच्चा और इसके फ्रेंड्स ने मिलकर दे किडनैप माय सन एंड दे किल्ड हिम व्हेन ही रेजिस्टेड। बच्चों का ये गैंग एक गुंडा चला रहा है सर। एंड गेस व्हाट, वो इस बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। जब इस लड़के को पकड़ा गया था तो इसने गुली प्रताप का नाम लिया था, मगर बाद में वो इस स्टेटमेंट से मुकर गया। उसने कहा हम चार लोगों ने मिलकर ये किडनैपिंग की थी। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन बट देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम। एंड गेस व्हाट, बिकॉज दिस रास्कल्स आर जुवेनाइल और इनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, इन लोगों को जो मैक्सिमम सजा है वो कितनी मिलेगी? सिर्फ 3 साल। तो जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है वो 3 साल के बाद फिर बाहर आ जाएंगे। वो इंसान गुली प्रताप कॉरपोरेटर बन जाएगा और ये लड़का सिद्धारामा एक स्टार बन जाएगा। आप भी तो एक पिता हैं ना, बताइए ये न्याय है? The quantum of justice was so low that it was injustice. फिर भी मैं और मेरी वाइफ इस दर्द को भूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इनको सजा तो मिली, भले ही सजा छोटी थी। और कल आप क्या करने वाले हैं? मेरे बेटे को जिसने मारा है उसके बारे में कहेंगे ही इज विनिंग 50 लाख। उस लड़के के पास एक दिमाग तो जरूर है लेकिन उसके पास एक दिल भी है, ऐसा कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? माधव सर, आई डिडंट डिक्लेयर एनीथिंग, ये गेम शो है और गेम इस शो तरह में तो से मारा मेरे बेटे को। देखिए आप इन दो फोटोज को। आई बेग यू सर, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, प्लीज मेरे बेटे की मौत का इस तरह अपमान मत कीजिए। डोंट इंसल्ट माई सन्स डेथ। कोई मेरे बेटे से अगर ये पूछता था कि बेटा तुम बड़े होने के बाद क्या बनना चाहोगे, ही ऑलवेज सेड मैं पुनीत राजकुमार बनूंगा। ही नेवर सेड मैं हीरो बनूंगा या फिर स्टार बनूंगा। ही ऑलवेज सेड मैं पुनीत राजकुमार बनूंगा। दैट मीन्स समथिंग। इन्हें कितना भी सिखाइए कुछ नहीं होगा, इनके अंदर बुराई कूट कूट कर भरी हुई है। इस लड़के को आगे मत खेलने दो। प्लीज डोंट प्रूव टू मी दैट देयर इज नो गॉड नो जस्टिस। आपको उसका जीता हुआ सारा पैसा कैंसिल करना होगा, वो लड़का नहीं जीतना चाहिए। महादेव सर आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। How can you say that? ये आपका नंबर है ना, मैं बैंगलोर आके आपको फोन करता हूं। क्यों करोगे? आई एक्चुअली बिलीव दैट कि आप मेरे बेटे के मान को खोने नहीं देंगे। दुनिया वालों के सामने भले ही आप बहुत बड़े इंसान हैं लेकिन मेरे सामने आप बहुत छोटे इंसान साबित हुए।
कर रहे हैं आप? आपसे ही बात कर रही हूँ मैं। समर्थ मेरा भी बेटा था, उसकी मौत का दुख मुझे भी है। मैं भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। जब देखो उस लैब में बैठे रहते हैं, न जाने क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। I'm your wife, for God's sake. गुली प्रताप को मरना होगा। Every action has an equal and opposite reaction. So Guli Pratap must pay for his action. Ye oxalate, sulfuric RDX. जैसे ही इसके ऊपर वजन पड़ेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैं सूटकेस के अंदर इसे रखकर इसके ऊपर रुपए रख दूंगा। रुपयों के भार से ये एक्टिवेट हो जाएगा। गुली प्रताप के पास मैं ये बोलकर जाऊंगा कि मैं उसके पास सुपारी देने आया हूं और उससे मिलने की कोशिश करूंगा। वो लोग मुझे चेक करेंगे। सूटकेस चुके टाइटेनियम का बना होगा तो कुछ भी ठीक नहीं। वो सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, रखो फोन। हाँ, क्या काम है तुम्हें? गुली प्रताप के सामने बैठकर सबसे पहले मैं उसे पैसे दूंगा। पैसों को सूटकेस से बाहर निकालते ही बॉम्ब के ऊपर वजन कम हो जाएगा और उसका टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। बॉम्ब का केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जिस बंदे को मारना है उसकी एक फोटो मुझे दो। अब तुम सारी दुनिया को जाकर ये बता दो कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा और उसके बाप ने कैसे उसकी मौत का बदला लिया। नो, नो महादेव, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपने बेटे को खोया है, आप भी छोड़कर चले जाएंगे क्या? मत कीजिए महादेव, प्लीज प्लीज महादेव। मैं जानता हूँ तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। How dare you? हुआ क्या है आपको? Get out! Get out! महादेव! नमस्ते भाई। आजा आजा। शो शुरू हुआ क्या? अभी तक शुरू नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका पुनीत राजकुमार। हॉट सीट पर है सिद्धरामा। हे, देखो सिद्धरामा रिमांड होम में रहकर भी उसका भविष्य अंधकार में रहता है, हम सब ने देखा है ये। और आज हेलो सिद्धरामा, ये शो के खत्म होने तक मुझे यही इंतजार करना पड़ेगा? अरे रुकिए सर, 5 मिनट रुकिए, हमारा लड़का फाइनल तक गया है, एक सवाल बाकी है, उसके बाद आप सर से मिल लीजिएगा, बस 5 मिनट सर। लेकिन उससे पहले मैं अरे ये क्या बकवास लगा रखा है, जल्दी दिखाओ वो पैसे जीतता है कि नहीं। अब सिर्फ एक ही सवाल की दूरी है। मेरी बेटी की मौत का अपमान मत करना। सिद्धरामा करोड़पति बनेगा या नहीं ये हम देखेंगे। सो अभी हम देख रहे हैं रोड़पति से करोड़पति जूनियर। ये पुनीत सर थोड़ा डल लग रहे हैं। एक करोड़ के सवाल पर चलते हैं। तुम्हारा सवाल 1 करोड़ के लिए तुम्हारे सामने। प्रिंसिपिया मैथमेटिका इस नाम की महान बुक है, उसे लिखने वाला ज्ञानी कौन है? योर ऑप्शंस ए गैलीलियो गैलीली, बी सर आइजैक न्यूटन, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी व्लादिमीर होफकिन। इस सवाल के बारे में कोई आइडिया है तुम्हें? नहीं सर। तुम्हारे पास एक और लाइफलाइन बाकी है, वो है फोन ऑफ फ्रेंड। है तो सर, मगर मेरा कोई दोस्त ही नहीं है सर, और जो है वो रिमांड होम में है, इसलिए नहीं सर, 50 लाख बस हो गया। अरे यार, इन्हें कितना भी सिखाइए कुछ नहीं होगा, इनके अंदर बुराई कूट कूट कर भरी हुई है।
इट्स इन देयर नेचर सर, इट्स इन देयर ब्लड। आप भी तो एक पिता है ना। फाइन, ऐसा करते हैं, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए मैं अपने फ्रेंड को फोन करता हूँ, ओके? तुम उनसे हेल्प मांग सकते हो, क्या कहते हो? देखना वो जीतेगा। देखते हैं। ओके कंप्यूटर जी, मेरे फ्रेंड को फोन लगाया जाए। ए, इसने नंबर दिया है क्या? हाँ सर, सुबह अप्पू सर को नंबर दिया है। ठीक है तो डायल करो फिर। ओके सर। हाँ ये नंबर है। हेलो। हेलो मिस्टर महादेव गोरके। यस, मैं पुनीत राजकुमार बात कर रहा हूँ, रोडपति से करोड़पति जूनियर शो से। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वन मिनट। हाँ हेलो महादेव गोरके जी, कैसे हैं आप? फाइन। ओके महादेव जी, मेरे सामने सिद्धरामा नाम का एक लड़का बैठा है, वो यहाँ 50 लाख रुपए जीत चुका है। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो ये यहाँ से 1 करोड़ रुपया जीत सकता है। इसके बाद आपको सिद्धरामा की आवाज आएगी। सिद्धरामा स्टार्ट। अंकल, प्रिंसिपिया मैथमेटिक नाम की महान बुक है वो किसने लिखी है? ए गैलीलियो गैलीली, बी सर आइज़क न्यूटन, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी व्लादिमीर हफकिन। अंकल टाइम खत्म हो रहा है। आइज़क न्यूटन। सर आइज़क न्यूटन। कंप्यूटर जी, बी आइज़क न्यूटन लॉक कीजिए। तुमने अभी फोन पर किसके साथ बात की जानते हो? आपका फ्रेंड है सर। मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो कौन है? उनका नाम है महादेव गोरके। तुम जिस बच्चे को मारकर रिमांड होम में गए हो, ये उस बच्चे का बाप है। सिद्धू, सिद्धू क्या हुआ? मुझे भूख लगी थी सर। क्या? मेरी माँ नहीं है सर। मेरी माँ जिस अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ जल के मर गई सर। माँ के मरने के बाद घर का भाड़ा नहीं भरा था, इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर। कोई जो भी देता था वो ही खा लेता था। एक दिन कमीने यहाँ बैठा है, तेरी माँ को मेरा कर्जा चुकाना है ये भूल गया तू? ए, इसे फैक्ट्री ले जाओ। ए, चल, चल। चुपचाप बैठ। हवा कम कर। सॉरी भाई, सॉरी। माँ, उसके बाद सॉल्यूशन मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे उसकी आदत पड़ गई। बस यही कहते रहते थे कि गोली प्रताप की बात सुनने का। एक दिन मुझे अच्छे से नहलाकर यूनिफॉर्म पहना दिया। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। तू अभी अंदर चला जा, वहाँ अगर तुम्हें कोई भी बड़े घर का दिखता है ना तो उसे बहला फुसला कर तू यहाँ लेकर आ, समझ गया ना? ए, घूर क्या रहा है तू? चल अंदर जा। चला जा, लेकर आ। चल जा।
मैं क्या कर रहा था मुझे भी नहीं मालूम सर। अगर मैं लड़के को लेकर नहीं गया तो वो मुझे मारते। ये ले। ए, दे मुझे। ए, मैं भी तेरे साथ खेलूं क्या? चला बैठ कर बात करते हैं। मेरे पास पुनीत राजकुमार का ऑटोग्राफ की हुई बुक है। ऐसा क्या, क्या तुम मुझे दिखाओगे? चल। हे शौर्य कैच। ए, ये कौन है? ए, यार लो, जल्दी अंदर जा। चल 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 चल। ए, जल्दी 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 जल्दी। समर्थ। क्या हुआ? ए, छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा भैया। दो बच्चे सवाल निकालेगा तो समझ ले। राजू, ये देख क्या किया तूने? अबे तू मर गया यार। भैया भैया, इसको घर लेके चलो नहीं तो ये मर जाएगा। तू चुप कर। ए असलम, तू जल्दी गाड़ी निकाल। हाँ, इसे कहीं भी फेंक देंगे हम लोग। नहीं नहीं भैया नहीं, ऐसा मत करो। तू जल्दी कर यार, इसे फेंकने की जगह ढूंढ। समय नहीं है अपने पास। तू चुप कर। भैया प्लीज, भैया मेरी बात सुनो भैया। भैया इसको हॉस्पिटल लेके चलो भैया, ये मर जाएगा। पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया। कुली प्रताप बच्चों का कैसे इस्तेमाल करता है, सब कुछ। कमीने, किसी का भी नाम ले ले, लेकिन अगर गुली भाई का नाम लिया ना तो समझ ले। चल बता, यही है ना किडनैप करने वाला? नहीं सर, हम चार लोगों ने उस बच्चे का खून किया। इनका उस खून से कोई संबंध नहीं है सर। तुम सब अभी 18 साल के अंदर हो। माइनर्स को मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। खत्म करके बाहर आ जाओ। अंदर अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं इंतजाम कर दूंगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था सर। अगर उनकी बात नहीं सुनता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। उन लोगों ने कहा था वो मुझे खाना देंगे सर। सॉरी सर, सॉरी सर। तुम भला क्यों सॉरी बोल रहे हो? हमारे समाज में हम फेल हुए हैं, सॉरी तो हमें कहना चाहिए। एनीवे, हम फिर से गेम पर आते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, महादेव जी ने सही जवाब दिया होगा? आपके फ्रेंड है ना सर, वो झूठ क्यों बोलेंगे? कंप्यूटर जी बोलिए, आइजैक न्यूटन सही है या गलत? सिद्धरामा, कांग्रेचुलेशंस, तुम 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो। भाई ये क्या भाई, इलेक्शन पास आ रहा है, ऐसे में पूरा कर्नाटक देख रहा है और इसने अपना मुंह खोल दिया। उस शरवणन से बोल, उसके जेल के अंदर आते ही उसे खत्म कर दियो।
भाई हाँ? वो आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं? कौन है वो? ये आपको सुपारी देने के लिए आया है। बोलिए वो क्या हुआ? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। इसके अंदर बॉम्ब रखकर मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं, मगर तुम में से कोई भी मेरे गुस्से के काबिल नहीं हो। प्रताप भाई, वो लड़का टीवी में आपके बारे में सब बोल दिया। आ, 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 अरे वो सब छोड़, पहले उस सूटकेस में क्या है ये देखो तुम लोग। जल्दी देखता हूँ भाई। जल्दी 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 देखो। भाई इसमें तो बहुत सारा पैसा है। पैसे हैं? सब ओरिजिनल है? हाँ भाई सब ओरिजिनल है। मारना चाहता था तो पैसे छोड़कर क्यों गया? पागल वागल तो नहीं है भाई? हाँ। यहाँ थोड़ा नमक है। ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಯೇ ಸಬ್ ಚೇಂಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸಿದ್ದು ಕಹಾ ಹೈ ಸರ್? ಕಾನೂನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಹೈ, ಕೋಯ್ ಭೀ ಏಕ್ ಬಾಲ್ ಅಪರಾಧಿ ಕೋ गार्डियन के रूप में बेल दिया तो उस इंसान के साथ उस बाल अपराधी को भी पेरोल में भेज देते हैं, बट उस इंसान को उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है। ऐसे ही सिद्धू को अडॉप्ट करने के लिए एक इंसान आगे आया है। अच्छा कौन है सर वो? सर आपका पूरा नाम क्या है? महादेव गोरकी। सर यहाँ एक साइन कीजिए। ओ पुनीत सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। खुश रहो। थैंक यू सर। थैंक यू। चलता हूं। महादेव सर। अगर आज आपका बेटा जिंदा होता तो आपको देखकर उसे गर्व महसूस होता।
अगर आज आपके पिताजी जिंदा होते तो आपको देखकर वो बहुत गर्व महसूस करते। Thank you.